पाकिस्तान और श्रीलंका हाल ही में एक इकोनॉमिक ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। एक कंट्री जिसे 1971 में आजादी मिली और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, उससे पहले उसके नेताओं ने उसे चौतरफा तरीकों से लूटा। मगर जैसे ही बांग्लादेश ट्रैक पर आया, उसने ना आगे देखा ना पीछे, बस एक ग्रोइंग इकोनॉमी बनता चला गया। हर न्यूज़पेपर और चैनल में बांग्लादेश की तारीफ हो रही थी। सबको लगा कि बांग्लादेश एकदम सेट हो गया है। मगर अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से फ्यूल प्राइसेस 50% बढ़ गए? ऐसा क्या हुआ कि सारी जनता सड़कों पर आ गई? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बांग्लादेश एक इकोनॉमिक ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है और क्या है इस इकोनॉमी के पीछे का कड़वा सच। आज से ठीक 9 साल पहले भारत में जब वादों की सरकार बन रही थी, तब बांग्लादेश में कुछ ऐसा हो रहा था जो उसकी इकोनॉमी को कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा था। वो था बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बांग्लादेश सरकार ने साल दर साल ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करना शुरू किया जो कि बांग्लादेश को एक डेवलप्ड नेशन की रेस में आगे लेकर आया, जैसे कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, पद्मा ब्रिज और ढाका मेट्रो रेल। मगर डेवलपमेंट होना तो एक अच्छा साइन है किसी भी कंट्री के लिए। जब डेवलपमेंट होता है तो एक आम आदमी की भी तरक्की होती है। तो फिर आज क्यों बांग्लादेश के आम आदमी कह रहे हैं कि भीख मांगने की नौबत आ गई है? आखिर ऐसा क्या चल रहा है बांग्लादेश में इंटरनली? एक ऐसा पैटर्न जो कि पहले पाकिस्तान और श्रीलंका के केस में दिखाई दिया था और जो कि अब बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है, वो है लोन जो कि रीपे नहीं किए गए। एक कंट्री जितना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करती है उतनी ही उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। बांग्लादेश की राइजिंग इकोनॉमी के चलते बांग्लादेशी सरकार ने वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे दूसरे इंटरनेशनल एजेंसी से लोन लिए। अब आप कहेंगे, देश में अगर डेवलपमेंट हुआ है तो लोन लेने में क्या दिक्कत है? जिस कंट्री के पास फंड्स नहीं होते वो लोन लेती है और उसे रीपे करती है। मगर बांग्लादेश के केस में ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश ने एक के बाद एक लोन्स लिए और रीपे नहीं कर पाई। गवर्नमेंट जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी उन प्रोजेक्ट्स में करप्शन हुआ और कई बैड लोन्स के चलते गवर्नमेंट की फंड्स में केवल $39 बिलियन ही रह गए। अब सवाल आता है कि क्या हुआ बांग्लादेश के इन लिए हुए लोन्स का और क्यों बांग्लादेश केपेबल नहीं है इन लोन्स को चुकाने के लिए? तो ये बात है 2019 की, जब गवर्नमेंट ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए और इन प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल एजेंसी से लोन लिए। इन प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट एजेंसी को प्राइवेटाइज तक करना पड़ा। इसके बाद शुरू होता है डाउनफॉल ऑफ बांग्लादेश, जब 1,000 से 10,000 करोड़ के स्कैम्स करके लोग बांग्लादेश छोड़कर भाग गए। जब सेंट्रल बैंक ने डेटा रिवील किया तो पता चला कि $11 बिलियन के बैड लोन्स सैंक्शन हुए थे। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। IMF ने इस रिपोर्ट को झूठा बताया और कहा कि बैड लोन्स 11 बिलियन से ज्यादा के हुए थे। जब भी कोई देश इंडस्ट्रियल फेज से गुजरता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है चीप एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। बांग्लादेश ने क्विक रेंटल पावर प्लांट जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देकर देश की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ाई, जिसमें बांग्लादेश काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा था। मगर जहां बाकी कंट्रीज के पास ओपन सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जैसे कि विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, बांग्लादेश के पास ये सभी ऑप्शन नहीं थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश पूरी तरीके से नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट था। लेकिन तब शुरू हुआ वो फेज जब रशिया यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी और इसका इम्पैक्ट पड़ा सभी कंट्रीज के ऊपर, तो बांग्लादेश भी इसकी चपेट में आ गया। जब इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस महंगी हुई तो बांग्लादेश को भी मजबूरन नेचुरल गैस को महंगे दामों पर खरीदना पड़ा और इसका सीधा सीधा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा बांग्लादेश की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। COVID-19 जिससे हर ग्रोइंग और सेटल्ड इकोनॉमी तक इफेक्टेड थी, जिससे कोई नहीं बच पाया, तो आखिर बांग्लादेश कैसे बच पाता? क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश का 85% एक्सपोर्ट उसके क्लोथिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है? बांग्लादेश का मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज में जाता है और कोविड के चलते लोगों ने अपने बजट्स को कट ऑफ किया, जिसमें सबसे पहले आए क्लोथ्स और टेक्सटाइल, जिसका पूरा इम्पैक्ट बांग्लादेश के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे पड़ा, क्योंकि जब कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो इम्पोर्ट पे इम्पोर्ट करके कोई भी कंट्री ब्रेक डाउन की खाई में गिरेगी। और वही हुआ बांग्लादेश के साथ। मगर ये सब जो बांग्लादेश के साथ हुआ कोई एक दिन या एक रात में होने वाली घटना तो नहीं है। जहां हम बांग्लादेश की बुराइयां गिना रहे हैं, वहीं बांग्लादेश ने वो कर दिखाया है बड़ी से बड़ी कंट्रीज नहीं कर पाई। 1971 में आजादी के बाद बांग्लादेश जब अलग हुआ तो पाकिस्तान भी आज के समय बांग्लादेश जैसा मॉडल डेवलप नहीं कर पाया है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा, बांग्लादेश इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन मॉडल। यही नहीं, बांग्लादेश में मेजरली टेक्सटाइल और क्लोथिंग इंडस्ट्रीज हैं
जिसकी वजह से यहाँ की वुमेन को रोजगार मिला। अराउंड 30-40% वुमेन इस देश की इकोनॉमी में हिस्सेदार हैं। जहाँ आधे इंडिया में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची, वहीं बांग्लादेश की सरकार ने वो कर दिखाया जब बांग्लादेश के कोने कोने में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गई। यही नहीं, बांग्लादेश की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी रिड्यूस होकर 18% रह गई है। अब करंट सिचुएशन में बांग्लादेश पूरी तरीके से इकोनॉमिक ब्रेकडाउन में जाने वाला है। अब सवाल ये आता है कि क्या बांग्लादेश इससे उभर पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।